गुड मॉर्निंग एवरीवन। 8 तारीख आ गई है, कैसे ये पिछले 4 दिन निकल गए पता भी नहीं लगा। और आज कलारम की आर्ट वर्कशॉप का आखिरी दिन है। जितनी भी पेंटिंग्स 5 दिन में कलाकारों ने की हैं उसका एग्जीबिशन होगा शाम को 4 बजे से 6 बजे तक, और उसके बाद ये क्लोजिंग हो जाएगी आज जो वर्कशॉप है ये बूंदी की। और आज कलारम ने जो स्कॉलरशिप अनाउंस की थी उसके रिजल्ट भी आज अनाउंस होने वाले हैं, वो भी शाम को 6 बजे कलारम के यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग सेशन हो रहा है, अचिंत्य हाजरा सर सुबह के टाइम सेशन ले रहे हैं कंपोजिशन के ऊपर, कैसे कंपोजिशन की जाए, तो चलिए देखते हैं। और दूर से मैं देख रहा था बट बहुत कुछ सीखा है, मर्जिंग सीखा सर का, बैलेंस सीखा, सिंप्लीफाई सीखा, किस तरह से। तो यहाँ पर भी वही है कि एक देखो कलर हार्मोनी एक चल रहा है, जबकि वहाँ पे पूरा बिल्डिंग पूरा एरिया ही ऐसा है। कई बार होता है कि हम पेपर तो ले लेते कंपोजिशन इतना बना कि इतना ज़्यादा ज़्यादा छोड़ देते ब्लैंक हो जाता है। हरीश जी का पेंटिंग भी कल देखा था, उसमें ऐसे ही हुआ था, उन्होंने कंपोजिशन एरिया में किया और ये हल्का हल्का होते थे, मैक्सिमम एरिया जो नेगेटिव स्पेस है वो बहुत ज़्यादा छोड़ दिया, बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्पेस भी नहीं छोड़ने का। आगे से आज के बाद जब भी आप किसी कंपोजिशन को देखते हैं या पेंटिंग को, किसी भी आर्टिस्ट का पेंटिंग देखते हैं, सवाल कर लेना है क्यों अच्छा लग रहा है, आपको आंसर मिलता है। यहाँ पर अचिंत्य सर तो बैठे लिए शुभेच्छा कलारम के लिए, और आपने एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं संस्था निर्माण किया है, सभी आर्टिस्ट निकल गए हैं अपनी अपने लोकेशन पर काम करने के लिए। तो जैसे ही हम होटल से निकलते हैं तो आपको मिल जाएंगे आर्टिस्ट बैठे हुए। यहाँ पर सोनाली स्वप्निला जी हैं, ज्योति जी हैं और नेहा जी। देखिए यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, मुझे यहाँ पर बैठना था तो चेयर और टेबल निकाल के दे दिया शॉप से और खुद चले गए हैं। और यहाँ पर युक्ति है, मुंह बांध रखा है इन्होंने, और ये मेरे लिए कलर लेकर आए हैं। तो देखिए ये यही बूंदी की जो खासियत है कि जो यहाँ के लोग हैं वो भी उतने ही अच्छे हैं जितना कि बूंदी। करीब 2:50 का टाइम है, लास्ट दिन है कलारम की रेजिडेंशियल आर्ट वर्कशॉप का, और आप तैयारी देख रहे हैं। डिस्प्ले में लग रही हैं पेंटिंग्स एग्जीबिशन के लिए, एग्जीबिशन है 4 बजे से। हमारे जो मेंटर्स हैं, हमारी जो टीम है कलारम की, वो सारी लगी हुई है सारी प्रिपरेशन करने के लिए। बहुत बहुत मज़ा आने वाला है, और उसके बाद आपको आर्टवर्क भी दिखाएंगे। और ये आर्टवर्क सेलिंग के लिए भी रखे गए हैं, जिस जिसको परचेज करना हो परचेज भी कर पाएंगे, प्राइस टैग लगे हुए होंगे पेंटिंग के ऊपर। तो और लोकल्स भी आने वाले हैं, ऑफिशियल्स भी आने वाले हैं, बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है आज का आखिरी दिन। यहाँ पर जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ज्योति वर्मा जी, कृपा मैम, निशिकांत सर और गार्गी, अकनिष्ठा, वंशिका, तगम, अचिंत्य सर और हरप्रीत लगे हुए हैं हेल्प कराने में, ताकि जो ये एग्जीबिशन है ये एक बहुत ही ऑर्गेनाइज और सक्सेसफुल रहे। ये हमारा जो आज का एग्जीबिशन है, एग्जीबिशन शुरू होने से पहले मैं आपको मास्टर्स का वर्क दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बाद में भीड़ हो जाएगी और बिल्कुल मुझे जगह नहीं मिलेगी। तो ये देख सकते हैं आप, ये निशिकांत सर का नाइटस्केप, और ये सिकंदर सर ने किया, और उसके साथ ही आपको दिखाता हूँ ये अमोल पवार सर का शिकारपुंज का पेंटिंग, और ये अचिंत्य हाजरा सर का फोर्ट का पेंटिंग है। और साथ में आपको और दिखाता हूँ, ये विक्रांत शिदोले सर का है शिकारपुंज का पेंटिंग, और ये भी उनका वहीं का रास्ते का पेंटिंग है, एक बहुत अमेजिंग कंपोजिशन, इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार। और ये भी विक्रांत सर का, ये सभी निशिकांत सर के वर्क है, बहुत ही अमेजिंग वर्क, उधर से भी दिखाऊंगा। और ये अमोल पवार सर के
वाह, ये सिकंदर सर के वर्क है। और ये चिंता हाजरा सर के, बहुत सारा काम चिंते हाजरा सर का, बहुत जल्दी जल्दी पेंटिंग करते हैं चिंते सर भी। और ये कुडल्ले सर के, कल जो डेमो दिया था ये वो आर्टवर्क है, बहुत ही अमेजिंग काम। ये भी कुडल्ले सर का है, ये भी कुडल्ले सर की पेंटिंग। और ये भी, ये चिंते सर का दोबारा से दूसरी तरफ से। ये भी अचिंत्य हाजरा सर का, ये सिकंदर सर की पेंटिंग्स। ये भी अमोल पवार सर, ये निशिकांत सर के स्केचेस हैं, पेन एंड वॉश, बहुत अमेजिंग। और ये भी निशिकांत सर का शिकार बुर्ज में की हुई पेंटिंग, और ये फोर्ट में की हुई पेंटिंग। एग्जीबिशन शुरू हो चुका है और डिस्प्ले कर दिया गया है वर्क। लोकल आर्टिस्ट भी हमारे साथ है, सुनील जी हैं हमारे साथ यहाँ पर, लोकल आर्टिस्ट। सुनील जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। कैसा लगा आपको हम दोबारा से आए? कैसा लगा ये तो सवाल ही आपका गलत है, क्योंकि हमारे तो बूंदी की पहचान ये कि जो भी आता है मेहमान वो हमारा भगवान होता है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि आप लोग यहाँ आते हो और बूंदी की पेंटिंग्स को, बूंदी को प्रमोट करते हो। शुक्रिया। और मुझे पता है सुनील जी हमारे साथ रहे और सभी दिन कोई भी प्रॉब्लम रही तो इन्होंने बिल्कुल उसमें हमारा साथ दिया, और जिसकी वजह से बहुत कुछ इजी हो गया है ना। नहीं, आपके ऐसा कुछ नहीं। थैंक यू सुनील जी। प्रियांश तुम्हारे हैं? हाँ जी। और ये यहाँ बूंदी से ही है प्रियांश सोनी, और इन्होंने भी अपना वर्क एग्जीबिट किया। आप खुद देख सकते हैं कि क्या बढ़िया काम किया है। अभी इन्होंने जस्ट प्लस टू पास आउट किया है। और ये युक्ति दीदी की है, ये वंशिका की है। ओह, युक्ति जी और वंशिका जी। युक्ति जी कहाँ है? ये युक्ति जी वंशिका जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम। और नहीं कहना है, लेकिन मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको क्या लगा और आप हमें चाहिए। थैंक यू सो मच। एंड इनफैक्ट व्हाटएवर वर्क यू डिस्प्लेड, इट्स अमेजिंग, वेरी ब्यूटीफुल। इनफैक्ट सिंस द वेरी फर्स्ट पेंटिंग आई बीन सीइंग, द वे द स्ट्रीट्स एंड द ओल्ड हवेलीज एंड पार्ट्स ऑफ सम ऑफ द palaces, what you've given your sketches as, is wonderful. At such a large gathering you have come to Bundi, and I hope you've liked our city, and do visit us again. मैं तो इतना सा बोलना चाहूँगा कि हमारे लिए यही कमी है कि आप लोग हर बार बूंदी को याद करते हो, हम सब लोगों को याद करते हो। तो आप हमारे मेहमान नहीं हो, आप
परिवार के सदस्य की तरह, और आप लोगों के आने से हमारे सभी कलाकारों को नहीं पूरे बूंदी में ऐसा माहौल बन जाता है जिससे सभी को बहुत खुशी होती है। पेंटिंग बोल रही है आपके बारे में, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग बहुत खुश नसीब है बूंदी के लोग कि हमारे पास इतने बड़े जो डायमंड हैं, पूरे इंडिया के जो टॉप आर्टिस्ट हैं वो हमारे बीच में आके हम लोगों को काम सिखा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि बूंदी के लोगों को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ टाइम स्पेंड करें। हमारा जो ग्रुप है वो बहुत समय से, पिछली बार जब आप आए थे तब भी पूरा ग्रुप आपके साथ रहा। सिर्फ ग्रुप नहीं, हम चाहते हैं कि बूंदी का हर आदमी काम को देखे। ये लोग ऐसे नहीं है, ये लोग हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो पुरातन व्यवस्थाएं हैं, इनको संरक्षित करना चाह रहे हैं। ये ऐसे पेंटिंग नहीं बना रहे, हिस्ट्री बना रहे, इतिहास बना रहे हमारे लिए। तो अभी अभी इन्होंने बताया कि सुनील बहुत चेंज हो गया बूंदी में, मैं शायद ज्यादा अच्छे से नहीं बता पा रहा, पर मैं आपको बताऊं कि मैं बड़ा दुखी हूं इस चीज को लेके। मैं अभी लास्ट टाइम कोटा 3-4 दिन पहले पर्यटन से रिलेटेड एक मीटिंग थी उसमें गया था, तो वहां पे मैंने यही कहा उनसे कि इस बूंदी को जो है संरक्षित किया जाए, इन जालीझरों को, घरों को संरक्षण प्रदान किया जाए और इसके लिए इसको हेरिटेज घोषित किया जाए। अगर ये हेरिटेज घोषित होता है तो ही हम लोग इसको संरक्षित कर पाएंगे और तो ही आप लोग आओगे। बाहर से आर्टिस्ट किस लिए आता है, इसी चीज को देखने आता है, और हम लोग अगर इसको सुरक्षित नहीं रखेंगे तो हमारा दुर्भाग्य है। फिर मजा लो, फिर भी जन जन के दिल में हमेशा छाया रहता उल्लास है। यहाँ की आबो हवा में रचा बसा शिवत्व बड़ा ही खास है। मेरी बूंदी की तो निराली आन बान शान है, जो सदियों से रही वीरों की खान है। सूर्यमल मिश्रण का इतिहास साहित्य भी वीर महान है, विश्व में अमिट महारानी हाड़ी का बलिदान है। मातृभूमि की रक्षा के लिए अडुग अटूट है वीर कुंभा की जिद है। हमारे यहाँ गलियों में मंदिर है, गलियों में मस्जिद है, पूरे देश में प्रसिद्ध बूंदी की फूंदी है। मेरी बूंदी बस बूंदी है, मेरी बूंदी बस बूंदी है, मेरी बूंदी पर आज भी है प्रकृति का मुक्त हस्त। यहाँ के लोग हैं बड़े मस्त मस्त, नहीं है आपके दिल्ली मुंबई बंगलोर जैसी मच, और खाने को मिल जाते हैं रोज लड्डू और बाती गच्छ। तो मेरी बूंदी में हर दिन हर पल हर घड़ी मानो कोई त्योहार है, कोई पर्व है, मुझे मेरी बूंदी पर बड़ा गर्व है। ओपनिंग डे था तभी बताया गया था, किसी ने बहुत अच्छी तरह से कला आरंभ किया है, उसके इंटेंशन क्या है, उसको आगे उसके सपने क्या है, वो क्या क्या करना चाहता है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज ओनली वन, कुछ भी करो, मुझे कला कला और कलाकारों को प्रोत्साहन देना है, उसको आगे लाना है और उसके लिए बहुत कुछ करना है। तो ये तो एक बहुत हमारा पहला कदम है, लेकिन जब हम पहला कदम लेते हैं तो हमें बहुत सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, और हमारे प्लान काफी अच्छे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि आप लोगों के सपोर्ट के बगैर पूरा करना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आज यहाँ एग्जीबिशन लगा है, सबसे पहले विक्रांत का जो बेटा है उसका पेंटिंग सेल हुआ, और वो उस तीन उसके तीनों पेंटिंग को पहले तो आई बिलीव इट और नॉट, उसने कोई मेंटर को नहीं पकड़ा था, उससे किसी को कोई सवाल नहीं पूछा था, वो आज सुबह बैठ गया था, शायद मूड ऑफ था, लेकिन उसने सबसे ब्यूटीफुल वर्क किया। सो ही वॉज वेरी एनकरेजिंग, और ऐसी चीजें होती है हमारे कलाआरंभ में। तो अभी थोड़े दिन पहले कलाआरंभ ने एक डिक्लेयर किया था स्कॉलरशिप देने के लिए। स्कॉलरशिप देना बहुत जरूरी होता है, बेसिकली हमारी तरफ से ये होता है कि जो चीज आती है हम बहुत अच्छी जगह पहुंचाना चाहते हैं, जहाँ किसको नीड है, कहाँ किसको फायदा हो सकता है, वो सब हमारे पास आते हैं। तो स्कॉलरशिप इज वेरी इम्पोर्टेंट, बट इट कम्स नॉट फ्रॉम आवर पॉकेट, फ्रॉम ऑल ऑफ अस। तो आदित्य पोंसे ने भी हमें दिया है, हीना दखान जैना भी दिया है, किश्वर आदित्य ये बच्चा है आदित्य, अभी जस्ट उसने हमसे ज्वाइन किया था शिमला या कुछ में, तो वो देख रहा है जस्ट एक ही टूर में उसने देखा कि हम जेन्युइनली काम कर रहे हैं। मुझे मालूम है इतना भी लॉर्ड नहीं को इतना खुद का भी करना और दूसरे भी का करना, लेकिन जितना है उसमें वो खुश है, और वो किसी आर्टिस्ट जो मीडिया आर्टिस्ट है उसको लाने की कोशिश कर रहा है, तो उसने उसके लिए स्पॉन्सर किया है, काफी एक बड़ा गेस्चर है हमारे लिए। हम भी उससे सीख रहे कि भाई
छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, आपका एक वैल्यू होता है। मैं ये भी कहूंगा कि हम दे नहीं रहे, मतलब हम छोटे ऐसे नहीं है, हमारा मन में है कभी ना कभी आप भी कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके से दूसरी जगह भी दे रहे हैं, तो इट्स ओके, कलर हमको ही देना है, इट्स नॉट अवर नेसेसरी, आप अपने तरीके से भी काम कर रहे हैं, तो हर कोई बस आर्ट के लिए कुछ करना चाहिए। सॉरी विवाह के हिना दखनेजा जो पिछली बार हमने एक बूंदी कॉम्पिटिशन रखा था तो उसको फर्स्ट अवार्ड मिला, तो उन्होंने क्या किया, बोला निशी हम मेरे पास तो सब कुछ है लेकिन मेरा आर्ट सिलेक्ट होना इसी से बड़ा मेरा अवार्ड नहीं है, लेकिन जो मनी है वो एक नीडी पीपल को जाए। तो उन्होंने वापस बोला कि आप इसको क्या करें कि आप इन फ्यूचर को उसका यूज करके किसी नीडी पीपल को आप दे दीजिए। But these 4 days in my life, whatever I spend here, always I will remember. So finally, जो एग्जीबिशन है वो समाप्त हो चुका है, जो वर्कशॉप है कलारम की वो समाप्त हो चुकी है। काफ़ी इमोशनल मोमेंट है क्योंकि ये जो चहल पहल है दिख रही है ये कल नहीं होगी, कल सभी अपनी अपनी मंजिल की ओर होंगे, अपने अपने रास्ते में होंगे, लेकिन जैसे ही आज सभी ने क्लोजिंग सेरेमनी में स्पीच भी दी, सभी बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, हमारे मास्टर इमोशनल थे, तो ये कलारम की जो वर्कशॉप है वो वर्कशॉप ना होके एक एक फैमिली गेट टुगेदर होता है, एक फैमिली गेट टुगेदर होता है, शब्द नहीं है मेरे पास भी, तो ये अक्सर ही ऐसा होता है, और ये मोमेंट आ जाती है जब सभी को बिछुड़ना होता है। बहुत कुछ है कहने को बट वही शब्दों में समेटने लायक नहीं है ये एक्सपीरियंस जो यहाँ से मिलता है हमें, और एक बार फिर से ये जो सफ़र है वो यहाँ पर समाप्त होगा कुछ समय के लिए, लेकिन फिर से मिलेंगे, फिर से बाहर आएगी बगीचे में, बाग में फिर से फूल लगेंगे, तो तब तक के लिए आपको भी करना होगा इंतज़ार और हमें भी करना होगा इंतज़ार। कलारम के YouTube चैनल पर हमने सारे ब्लॉग ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, 5 दिन में हमने क्या क्या किया, उम्मीद है आपने इंजॉय किया होगा, आपने भी खुद को हमारे साथ महसूस किया होगा, और इसी तरह हम भी अपनी जो भी फैमिली है चाहे वो वर्कशॉप में आ पाए चाहे नहीं, हम उनके लिए जो भी एक्सपीरियंस कि उनको भी सभी को एक्सपीरियंस मिले जो ऑनलाइन बैठे हैं, हम ये करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, खुश रहिए, आर्ट करते रहिए, धन्यवाद।